तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में मैं यहां से आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा कक्षा नौवीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। देख प्यारे विद्यार्थियों टोटली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का, ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपसे किस प्रकार का पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं यहां से आपको बताने वाला हूं ए टू जेड इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों टोटली आपका जो पेपर होगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जैसा कि आज मैं यहां से आपको बता रहा हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का होगा प्यारे विद्यार्थियों। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहां से इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जरूर जाएं, तभी जाके आपको प्यारे विद्यार्थियों पूरा ये क्वेश्चन पेपर समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आप लोग यहां से इसको देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है जिसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 13 वर्ड। देखिएगा इन प्रश्नों के उत्तर आपको 30 शब्दों में देने हैं, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे गए हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब आपके पेपर को शुरुआत से ही देखते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा समझ लें। देखिएगा इस प्रकार का यहाँ पर आपको ये पेसेज दिया गया है देयर सीम्स टू बी ए ग्रेट ओपिनियन इन द कंट्री डेट सरदार पटेल। तो देखिएगा सरदार पटेल के ऊपर एक ये पूरा पैसेज है और इसके उत्तर हमें पीछे यहाँ पर देने हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं सरदार पटेल वाज कॉल्ड, देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा आयरन मैन ऑफ इंडिया इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन द वाज काइंड एंड कॉन्सिडरेट, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा क्लोज कॉन्टेक्ट विद हिम इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहां से इसके प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, एक और पैसेज यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग यहाँ से इस पैसेज को देख लें, हेलन केलर वाला पूरा का पूरा पैसेज आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन लिखा है वी लर्न टू स्पीक, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा बाई इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मिस सुलिवान हेल्पड हेलन टू टॉट हर टू स्पीक इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीप, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर क्या आ जाएगा सी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीप इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ तक का इसको पूरा नोट कर लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें क्या लिखा है व्हेन डिड हेलन केलर लोस हर आई साइड एंड हियरिंग, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा एट द एज ऑफ 2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा ब्लाइंड। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग लिख लें इसको पूरा और नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग सेक्शन बी को देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन बी का उत्तर क्या होगा, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको यहाँ पर नोट मेकिंग समरी दी जाएगी, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल रहा है इसमें आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। नोट मेकिंग समरी प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको नहीं आती है तो इस वीडियो के अंत में आपको एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग आसानी से नोट मेकिंग समरी बना सकते हो।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से आप लोगों को नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लेना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 डेज लीव। तो देखिएगा, 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए आपको प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखना है, तो आप लोग यहाँ से इसको लिखना सीख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, जिसमें लिखा है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन। देखिएगा, 150 शब्दों में आपको इन टॉपिक के ऊपर एक वो लिखना है नोट। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी, ऐसे लिखना है तो वैसे आपको वंडर ऑफ साइंस का ऐसे आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का आपको एक चित्र दिया जाएगा और इसके ऊपर प्यारे विद्यार्थियों आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो आप लोग यहाँ से इस पैराग्राफ को लिखना सीख लें पूरा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये सेक्शन सी लिखा गया है। आप सभी लोग यहाँ से सेक्शन सी के प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ लें, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिव इन द ब्रैकेट्स। तो देखिएगा, इनको आपको चूज करना है कैसे। पहला क्वेश्चन, ही इज इंजीनियर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस जगह पर आपको एन लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर का, शरद वॉचिंग टीवी वेन द पावर वेंट ऑफ। तो देखिएगा, इसका उत्तर आपका वाज आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अनीता इज टेलर संजय। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस जगह पर आपको देन लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा, इज ए गुड एक्सरसाइज। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस जगह पर आपको वॉकिंग लिख लेना है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आपका मेनी आ जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, डिड यू सी लायन इन द फॉरेस्ट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा आपका एनी। इस प्रकार से आप सभी लोग यहां तक का इसको देख लें और पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है, डू ए डायरेक्टेड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप लोग इनको देख लें और पूरा समझ लेंगे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको डू ए डायरेक्टेड दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपको ये बनाने आते होंगे, और बनाने नहीं आते हैं तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश ग्रामर की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इन चीजों को बनाना सीख लेंगे। चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां से शुरुआत होती है आपके सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर आ जाएगा, एन ओल्ड बुक विद येलो क्रंची पेजेस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947 में बिस्मिल्ला खान ने सेनाई का बजाई थी रेड फोर्ट पे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो। देखिएगा, विंडो की शटर को कौन गिराता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा बाइंड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड केजीएफ टियर द पेपर। केजीए ने पेपर क्यों पाड़ दिया, तो फिल द क्वेश्चन, इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच फेमस टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा पशुपतिनाथ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हु केज्ड द स्नेक। तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा मेन। इस प्रकार से आप लोग इनको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला भाग लिखा है यहाँ से, तो आप सभी लोग इसको देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये इसके उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या लिखा गया, आप सभी लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और समझ लेंगे। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, द लिटल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइड। तो देखिएगा, हर फादर, इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हर फादर विजिट हर इन मॉर्निंग, इसका उत्तर होगा। उसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड आउट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स आंसवर्ड। तो देखिएगा, आंसवर्ड का मीनिंग क्या होता है, दूसरा रेस्पॉन्स, इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बी वाले भाग को देख लेना है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया है, और उसके अलावा ये 13 लिखा है, ये 14 लिखा है, ये 15 लिखा गया है, और ये 16 लिखा है। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें और पूरा समझ लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है और समझा दिया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।